जो है भगवानपुर क्षेत्र में एक ठेकेदार है जो पैसा निकाल के जा रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार थे, और उनसे जो एक लूट की घटना हुई थी जिसपे मौके पर जो है एक बदमाश को पकड़ा गया था, और साथ ही साथ जब उनकी जो है इलाज के दौरान जो है 3 दिन उपरांत मृत्यु हो गई थी, जो जानकारी मिली थी उसमें पता चला था उन्होंने 8 लाख रुपये करीब निकाले थे, जिसमें कुछ पैसे उन्होंने बांट दिए थे। करीब 6 से 6.5 लाख रुपये जो है शेष थे जिनको बदमाश लूट के ले गए थे, जिसमें कुछ बदमाशों के फिर पूछताछ के बाद संदिग्ध नाम आए थे। चूँकि इन बदमाशों के बारे में जो जानकारी मिली थी उसमें हमारी टीमें लगी थी और हमारे बहुत सारे मुखबिर तंत्र भी लगाए गए थे। ये सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी SOG हरिद्वार और रुड़की जो CIU की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गाँव है वहाँ पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो है मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूँकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी, अन्य इसके जो कन साथी थे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो अभी ये प्रक्रिया भी चल रही है, इसमें विस्तार से जो है कल ही इसमें डिटेल पूरे प्राप्त हो पाएंगे। इसमें जो घटना में प्रकाश में आया था उसमें 5 से 6 लोग की बात पता चली थी, क्योंकि एक इसमें अरेस्ट हुआ था, अब ये दूसरा बदमाश इसमें अभी मिला है, तो इसकी कंडीशन नॉर्मल होने के बाद जो पूछताछ की जाएगी उससे और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। हाँ देखिए, कॉम्बिंग अभियान इसलिए चल रहा है कि अन्य साथी भी होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जो सूचना थी उस पर था कि इसमें 3 से 4 लोग आने की सूचना थी, लेकिन अभी इसमें हमें एक व्यक्ति ही मिल पाया है, तो चेकिंग जारी है। और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी अभी जानकारी की गई है, तो पता चला कि पूर्व में भी इस पर मुकदमे दर्ज हैं और इसके अन्य जो साथी हैं वो भी लूट और अन्य वारदातों में शामिल रहे हैं।